Hey aspirants, this is Shreyas Badiye. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Here is the new video lecture from Indian Polity series, which is about the emergency. I have divided this topic emergency into three parts. In first part, I will discuss national emergency. In second part, I will discuss residence rule, that is state emergency. In third part, I will discuss financial emergency. So first of all, I'd like to inform you that to get more updates related to preparation, more video lectures, like my pages on Facebook, Shreyas Badiye and Shreyas Badiye Interpretation. If you have any doubts related to preparation, then you can also contact me on Instagram. So, अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो मैं आपको बेसिक में सबसे पहले बता दूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके तीन तरह की इमरजेंसीज दी हुई है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करने वाले हैं. सो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमको इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है. तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी इस टॉपिक के अंडर हमको सबसे पहले डेफिनेशन देखना है क्या होती है नेशनल इमरजेंसी. उसके बाद हम ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन देखते हैं, कब इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इमरजेंसी कब लगा सकते हैं हमारे कंट्री में. उसके बाद थर्ड हम देखेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी है, उसके साथ साथ ड्यूरेशन क्या होगा ये भी हम देखेंगे, कितने टाइम के लिए लगेगी. फोर्थ वन हम ये देखेंगे कि रिवोकेशन कब रोकी जा सकती है, और वो जब लगी रहेगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे. ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी में. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ये सिंपल है, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको इसको समझा के देता हूँ. देखिए, सबसे पहले एन इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, आर्टिकल 352, दिस इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी. यानी सबसे पहले देखिए किस किस चीज़ों पे ये नेशनल इमरजेंसी लगती है. तो सबसे पहले वॉर, देन एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके बाद आर्म्ड रिबेलियन. ये तीन चीज़ें याद रखिएगा. जो इमरजेंसी इन तीन में से किसी भी चीज़ के कारण लगी है उसको कहेंगे नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में आता है. आर्टिकल 352 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, ये याद रखिएगा. उसके साथ साथ आपको बता दूं, वॉर जो होता है ये दोनों साइड से जब अटैक हो रहे हैं तो उसको वॉर कहा जाता है. जब अटैक एक ही साइड से हो रहा है और दूसरे साइड पर अटैक हो रहा है तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन. और थर्ड जो है आर्म रिबेलियन, जो कि कंट्री के ही अंदर कुछ आर्म रिबेलियन होता है, जिस तरह से रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जस्ट उस तरह का ही रिबेलियन होता है आर्म रिबेलियन. कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के सोच रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, तो ये सब होता है हमारे कंट्री के भीतर, इसको कहा जाता है आर्म्ड रिबेलियन. अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब सपोज ये एक कंट्री है ए, सेकंड कंट्री है बी. ए कंट्री ने बी पे अटैक कर दिया और बी ने कुछ नहीं किया, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन. अब ए ने बी पे अटैक किया और बी ने भी ए पे अटैक कर दिया, तो इसको कहेंगे वॉर. दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक कर रही है, वॉर. सिर्फ एक कंट्री दूसरे पे अटैक कर रही है तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन. आर्म रिबेलियन विद इन अ कंट्री, समझिए एक कंट्री इसके अंदर ही कुछ चल रहा है इस तरह का डिस्टर्बेंस, तो इसको आर्म्स है लोगों के पास, इसको कहा जाता है आर्म रिबेलियन. ओके, सो ये सब आता है आर्टिकल 352 में, ये याद रखिएगा. उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन. देखिए, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन में जैसे कि मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, तो 252 से स्टार्ट होता है वो. तो 252 जो आर्टिकल है उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन बताए गए हैं. तो देखिए, सबसे पहले कौन डिक्लेयर कर सकता है ये, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो इस नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं जब उनको लगता है कि हमारे जो देश की सिक्योरिटी है ये धोखे में है. अभी हमारा देश धोखे में है, इसमें किस चीज़ के कारण डर है हमको, तो वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म रिबेलियन, ये तीन चीज़ों के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तब जो प्रेसिडेंट होते हैं ये यहाँ पे इमरजेंसी लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाते हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के वक्त. सेकेंड जो पॉइंट है ये ऐसा कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ये नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं इनमें से कोई भी चीज़ होने के पहले. वॉर हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, सो ये सब होने के पहले भी प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी. ठीक है, इवन बिफोर द ऑकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. तो ये है सेकेंड पॉइंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट ऐसा कहता है कि व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन में आ गया वॉर,
उसके साथ साथ आ गया एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे अगर कोई इमरजेंसी लग गई ये दो चीज़ों के कारण, तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से हो रहे हैं अटैक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी ज़रूर कहलाएगी उस तरह की इमरजेंसी। तो याद रखिएगा जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द वॉर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कहता है कि जब आर्म्ड रिबेलियन होता है यानी कंट्री के भीतर ही कुछ हो रहा है तो इसको कहा जाता है इंटरनल इमरजेंसी, यानी व्हेन इट इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। सो इमरजेंसी को लेके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक आपको 42nd अमेंडमेंट याद रखना है, एक 44th अमेंडमेंट याद रखना है। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1976 की है, इसमें प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई कि नेशनल इमरजेंसी ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर ये पूरी हमारी कंट्री है इंडिया तो आप पूरे इंडिया में ये नेशनल इमरजेंसी लगा दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इस पार्ट पे कहीं भी लगा सकते हैं या पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं, यानी आप किसी स्पेसिफाइड पार्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा अमेंडमेंट होके हमको समझा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह लगा दी जाए, जहाँ जहाँ धोखा है जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ भी आप लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड एरिया में आप ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एनेबल्स द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, इसमें क्या हुआ। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज़ किया जाता था जिसका नाम था आर्म्ड रिबेलियन, पहले आर्म्ड रिबेलियन सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वर्ड यूज़ होता था, ये वर्ड कुछ ठीक नहीं लगता था यूज़ करने के लिए, सबसे पहले ओरिजिनल ये वर्ड था तो इसको आर्म्ड रिबेलियन इस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे अभी जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके साथ साथ आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन ये कब से आया, आर्म्ड रिबेलियन ये वर्ड आया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके सो इट सब्स्टिट्यूटेड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है। सो उसके बाद हम देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए जो इमरजेंसी होती है ये दोनों हाउस से अप्रूव होनी चाहिए, सबसे पहले तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कितने टाइम में, 1 month में जब ये इशू होती है उसके बाद, यानी अगर आज अगर नेशनल इमरजेंसी इशू हो गई तो वो जो उसका प्रोक्लेमेशन है ये दोनों हाउस से अप्रूव होना चाहिए उसके 1 महीने के भीतर। सो पहले ये जो टाइम था ये 2 महीने का था, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने रिड्यूस कर दिया और अब ये हो गया 1 month का। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, जब ये इशू होगी उसके 1 महीने के भीतर आपको अप्रूव कराना होगा दोनों हाउसेस से। अब देखिए हम सेकेंड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो एकदम सिंपल था, सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर इशू हुई जब पार्लियामेंट ये डिजॉल्व, जब लोकसभा ये डिजॉल्व हो चुका है, देखिए राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होगा, इट इज अ परमानेंट हाउस, आप पहले से ही जानते हैं। तो लोकसभा डिजॉल्व होगा, गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ रही है, लोकसभा डिजॉल्व हो गई है, और ऐसे वक्त इमरजेंसी का जो इमरजेंसी वहां पे लगाई गई या फिर और द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, इसका ये मीनिंग है कि ये इमरजेंसी लग गई थी, टाइम कितना था, 1 महीने का, 1 महीने में आपको ये काम करना था। अब 1 महीने का टाइम जो था इसके भीतर ही जो लोकसभा थी ये डिसॉल्व हो चुकी है और उन्होंने वो टाइम के भीतर, यानी 1 महीना अभी पूरा होने का है पर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है ये भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसे वक्त क्या होगा, ऐसे वक्त इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक जब तक फर्स्ट सीटिंग ऑफ लोकसभा होगा। अब नई गवर्नमेंट आएगी, नया लोकसभा बनेगा, अब नया जब लोकसभा बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा लोकसभा का, उसके बाद जब उनकी मीटिंग होगी, फर्स्ट सीटिंग होगी, वो होने के बाद उनको 30 days तक वो चलती रहेगा वो प्रोक्लेमेशन, तब ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, अगर अदरवाइज फिर वो रुक जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए पर एक चीज़ ज़रूरी है कि राज्यसभा का इसको अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए तभी ये सब चीज़ें होगी। तो याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट कि अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई है, और दूसरा ये कहा गया है कि 1 महीने का यहाँ पे जो टाइम था, ये जो टाइम दिया 1 month का ये टाइम, ये होने के पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई।
और उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया था प्रोक्लेमेशन, तब क्या होता है, ये यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है। उसके बाद देखिए, अगर इसको दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया, अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये 6 महीने तक चलेगी। और ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कब तक हो सकती है, तो कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकती है, पर इसके लिए आपको अप्रूवल लगेगा कि इनका पार्लियामेंट का, हर 6 महीने बाद अप्रूवल लगते रहेगा पार्लियामेंट का। अब जैसे कि आपको तो ये पता चल गया, अगर दोनों हाउसेस ने, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने अगर इसको अप्रूव कर दिया, तो 6 महीने तक चल सकती है। बट ये एक्सटेंड कब तक हो सकती है, तो एक्सटेंड कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, पर हर बार इसको एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डिसॉल्यूशन है लोकसभा का, वो अगर हो गया, इफ द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा सभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months, अगर 6 महीने का ये जो टाइम था ना कि 6 months के बाद आपको वापस एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये 6 महीने के टाइम अब तक जाने का था, और डिसॉल्यूशन हो गया, लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो गया, तो और इन्होंने अप्रूव ही नहीं किया था कि आगे और कंटिन्यू होगी, तो ऐसे वक्त क्या होगा, तो ये जो प्रोक्लेमेशन है, ये फर्स्ट सिटिंग जो होगी लोकसभा की, अब नया फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा लोकसभा का, नई लोकसभा आएगी, ये नई लोकसभा की जब पहली सिटिंग होगी, तब तक ये इमरजेंसी तो चलती ही रहेगी, बट उसके वो सिटिंग होने के 30 दिन तक भी चलते रहेगी अगर राज्यसभा ने उसको अप्रूव किया है। तो लोकसभा के फर्स्ट सिटिंग के बाद 30 दिन मिलते हैं, 30 डेज में इनको यहाँ पे बताना पड़ता है कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं, अदरवाइज इमरजेंसी रुक जाएगी। तो ये एक और रूल है यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, अगर कंटिन्यूएशन के लिए, अगर यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है इसको और आगे तक कंटिन्यू करना है, 6 महीने हो गए समझ जाइए, 6 months बीत चुके हैं, अब 6 months बाद और आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है, अगर आपको जितना भी इसको प्लस करते जाना है और 6 months, तो उसके कंटिन्यूएशन के लिए दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से आपको अप्रूवल लगेगा, ऐसा स्पेशल मेजॉरिटी से, वो भी कौन सी मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, तो यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी से लगेगा ऐसा कहा गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, उन्होंने यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए ऐसा कहा हुआ है, पास होना चाहिए ये कंटिन्यूएशन का अप्रूवल, तो ये एक यहाँ पे प्रोविजन ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो उसके बाद हम स्टडी करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो देखिए, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ने रोका कब जा सकता है, तो कभी भी रोका जा सकता है, प्रेसिडेंट उसको रोकेंगे कभी भी। तो यहाँ पे रोकने वाले कौन है, सबसे पहले याद रखेंगे आप, प्रेसिडेंट, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगेगा, ऐसा पहले कहा जाता था, बट आगे क्या हो गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1978 में, जब ऐसा पता चला कि जो प्रेसिडेंट है वो उसको तब उनको रिवोक करना ही पड़ेगा, अगर लोकसभा ने कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इसको डिसअप्रूव करना है, ये कंटिन्यूएशन आगे नहीं चलेगा, और लोकसभा ने बोल दिया कि नहीं चलेगा, तो फिर प्रेसिडेंट को रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट जो है ये प्रोक्लेम करते थे इमरजेंसी को, और ये अमेंडमेंट पास होने के पहले ये जो रोका जाता था वो प्रेसिडेंट खुद के मर्जी से रोकते थे, तो लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं था इसके पहले, अब लोकसभा का कंट्रोल है, जब से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, तब उन्होंने लोकसभा को पावर भी दी है कि आप रिजोल्यूशन अगर पास करते हो डिसअप्रूविंग का, कंटिन्यूएशन को रोकने का, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको रोकना ही पड़ेगा। तो ये 3 points है रिवोकेशन के, जो आपको अभी समझ चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमको अभी स्टडी करना है वो है इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे हमको इफेक्ट देखना है, नेशनल इमरजेंसी जब लग जाएगी तो क्या क्या होगा, तो इफेक्ट्स किन किन चीज़ों पे देखेंगे, सबसे पहले हम सेंटर स्टेट रिलेशन पे देखेंगे, उसके बाद हम लाइफ ऑफ लोकसभा पे देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे स्टेट असेंबली पे भी क्या इफेक्ट होगा ये, और फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा ये। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे, लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पे, उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स पे, ये 3 तरह के हम अभी इफेक्ट्स देखने वाले हैं। तो देखिए, इफेक्ट्स में हम सबसे पहले देखते है कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और उसके साथ साथ फाइनेंशियल, ये 3 चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो जो सेंटर होता है इनको पूरी पावर आ जाती है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर पे, वो बोल सकते हैं स्टेट को, सेंटर की, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन आपको ये लेनी है वो लेनी है, सब बताएंगे सेंटर। उसके बाद यानी सेंटर को ये पावर मिल जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कंट्रोल में आ जाएगी सेंटर के, बट ये पूरी सस्पेंड नहीं होगी,
इस इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है, वो कंट्रोल में आ जाती है सिर्फ सेंटर के। ये चीज आपको याद रखनी है, ये है एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव, लॉ बनाने वाले काम ये एग्जीक्यूट करने वाले थे, अब लॉ बनाने वाले देखते क्या होता है। जब इमरजेंसी लग जाती है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसी भी मैटर पे, सब जो स्टेट लिस्ट में दिया है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो, जिन्होंने नहीं देखे है वो देख ले। तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें से स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट का राइट होता है लेजिस्लेट लॉ बनाने का या एग्जीक्यूट करने का। तो अभी स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिए हुए हैं उस पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, यानी सेंटर भी लॉ बना सकता है। अब जब ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में रहेगा तब प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंसेस भी इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा तब, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो प्रेसिडेंट जो है कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, तो जो भी स्टेट सब्जेक्ट है उसमें भी ऑर्डिनेंसेस जो है वो इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस तब इशू किए जाते हैं जब कोई भी हाउस या फिर कोई एक हाउस जब सेशन में नहीं होता है, उस वक्त आपको कोई बहुत इमरजेंसी है कि आपको लॉ कोई पास करना है, तो ऑर्डिनेंस यानी एक टेम्प्ररी बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट सब्जेक्ट पे बना सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में सबसे पहले याद रखिएगा कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है ऑपरेशन में, यानी जब इमरजेंसी लगी हुई होती है, तो प्रेसिडेंट जो ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो हमने देखा था ना पिछले, और सेंटर और स्टेट में, सेंटर को इतना परसेंट मिलेगा, स्टेट को उतना परसेंट मिलेगा, तो प्रेसिडेंट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जब इमरजेंसी लगी होती है। ये मैं आपको पिछले भी बार बता चुका हूँ। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है ये रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो ट्रांसफर फाइनेंस हो रहा है ना, जो फाइनेंस ट्रांसफर हो रहा है सेंटर से स्टेट को, वो कम भी करा सकते हैं या कैंसिल भी करा सकते हैं ये अगर हुआ तो। तो ये जो जितने भी ये प्रेसिडेंट का ये जो पावर्स है, तो एवरी सच ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के सामने पहले जाएगा, फिर पार्लियामेंट भी अप्रूवल देगा इसको। तो आपको याद रखना है कि जो भी डिसीजन है ये पार्लियामेंट के सामने जाएंगे ये सब डिसीजंस। तो ये है फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सेंटर स्टेट पे इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, स्टेट को रेवेन्यू आना कम हो जाता है, बंद भी हो सकता है, तो ये सब फाइनेंशियल है। तो इसमें हमने तीन देखे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव यानी लॉ एग्जीक्यूट करने में क्या इफेक्ट होता है सेंटर स्टेट का, उसके साथ लेजिस्लेटिव में देखा, अब हमने फाइनेंशियल पे भी देखा। अब जो नेक्स्ट है वो हमको देखना है कि लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है तो लाइफ ऑफ लोकसभा जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, उसका नॉर्मल टर्म कितना है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार वो एक साल के लिए एक्सटेंड होगी। तो ये जो एक्सटेंशन है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, यानी इमरजेंसी जब ऑपरेट होना बंद हो चुकी है, यानी इमरजेंसी अभी प्रोक्लेमेशन में नहीं है, इमरजेंसी अभी रुक चुकी है, तो तब ये जो एक्सटेंशन है तो ये 6 महीने के ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। एक साल तक इमरजेंसी लगी हुई तो बढ़ा सकते हैं, बट इमरजेंसी रुक गई तो उसके बाद आप 6 महीने तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखते चलना है। तो देखिए लाइफ बढ़ जाती है लोकसभा की, उसके साथ साथ स्टेट असेंबली की भी। उसके बाद हम आखिरी इफेक्ट देखते हैं जो है आपके फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर सेक्शन 19 के अंडर 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल 358 ऐसा कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है उस वक्त ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना आपके, 6 आर्टिकल 19 में दिए हुए है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सब जो दिए हुए हैं, ऐसे 6 आपके एसोसिएशन वाले, असेंबली वाले, रेसिडेंस वाले, जितने भी है मूवमेंट वाले, ऑक्यूपेशन वाले, ये जो दिए हुए हैं आपके आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स, ये सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, तब आपके पास ये नहीं रहेंगे जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड है कि अदर फंडामेंटल राइट्स जब कौन कौन से हैं जो ये सस्पेंड होते, तो ऐसा कहा जाता है आर्टिकल 359 ऐसा कहता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। जैसा आपका फंडामेंटल राइट एनफोर्स नहीं कर रही है अगर गवर्नमेंट, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो फंडामेंटल राइट्स, तो तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपका ये वाला राइट जो है ये भी आपसे छीन सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होगी। तो ये दो प्रोविजंस आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए थे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बदलाव आए हैं, अमेंडमेंट्स। अब अगर
अब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1978 में, जिसने ये जो आर्टिकल 359 है इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले नहीं, वो कर सकते थे प्रेसिडेंट, ऐसा सब था। तो पहले क्या हो, अभी क्या, प्रेसिडेंट जो है ये सस्पेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय 20 एंड 21। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए 20 और 21 में क्या आता है, और फिर आप वहाँ से अपना अंदाज़ा लगाइए कि प्रेसिडेंट आपसे छीन सकते हैं आप ये राइट कि आप कोर्ट में जा सकते हैं एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए, बट ये दो आर्टिकल के अंडर के जो है ये नहीं छीन सकते 20 और 21 में का, इसमें तो आप कोर्ट जा सकते हैं। चलो तो शायद आपको याद आ गया 20 और 21 में क्या दिया है। जैसे कि आपको पता है 21 में दिया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एनफोर्सिएबल रहेगा इमरजेंसी के वक्त। और दूसरा है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर्टिकल 20 में जो दिया है, ये दो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और ये जो है ये एनफोर्सिएबल रहेंगे। बाकी इसके लिए आप नहीं जा सकते कोर्ट में, ऐसा प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट आर्टिकल 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ 44th अमेंडमेंट, उसमें ये दो को छोड़ के प्रेसिडेंट बाकी आपके एनफोर्समेंट के लिए आपका बाकी राइट्स जो है वो छीन सकते हैं। तो ये होता है इसमें, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद याद रखना है कि दूसरा जो है रेस्ट्रिक्शन वो क्या है, ओनली दोज लॉ विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, यानी आप चैलेंज तो नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट ने आपका राइट छीन लिया कि आपका फंडामेंटल राइट है, ये अगर एनफोर्स नहीं कर रहा है स्टेट या फिर गवर्नमेंट, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये 44th अमेंडमेंट है इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सबसे पहले 21 और 21 का अगर होगा मैटर तो आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ फिर से ऐसा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट आपका इमरजेंसी से रिलेटेड ही नहीं है तो उसके लिए आप क्यों नहीं जा सकते, तो आप उसके लिए जा सकते हो। इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए आप नहीं जा सकते, बट जो इमरजेंसी से रिलेटेड है उसके लिए आप जा सकते हैं। एंड नॉट अदर लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली सच लॉ इज प्रोटेक्टेड। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नॉट अदर लॉज, बाकी लॉज नहीं, जो इससे नहीं मिल रहे वो नहीं, बाकी जो है ये प्रोटेक्टेड रहेंगे आपके। उसके साथ साथ ये आपको स्टडी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो ये हमारे टॉपिक क्लियर कवर हो चुके हैं। अब हम आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमको प्री के क्या क्वेश्चंस है ये देखना है। उसके साथ साथ मेंस के मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो देखिए प्री का किस तरह का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसके जो भी आंसर्स हैं आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एनेबल्स द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। क्या इसमें से करेक्ट है आपको बता के कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं मेंस के क्वेश्चन। तो मेंस के क्वेश्चन जो है आपको नॉट मोर देन 200 वर्ड्स में लिखने हैं इस बार, 200 वर्ड्स के अंदर भीतर ही आपको इनको लिखना है। सो देखते हैं कि ये कौन से है। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो है कि वॉट इज आर्टिकल 352 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आपको कमेंट लिखना है इसका 200 वर्ड्स में। एंड सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ये आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था वो, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये। ओके, सो आपको ये सब लिखना है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे